यात्रा रेखा। यात्रा रेखा में लिखा हुआ है मूलतः बाहरी तत्वों का ग्रह होता है, लेकिन पौराणिक ग्रंथों में चंद्रमा को जल का कारक ग्रह कहा गया है। पौराणिक ग्रंथों में विदेश या दूरस्थ यात्रा करने का एकमात्र साधन जल ही हुआ करता था, अतः चंद्रमा को यात्रा का कारक ग्रह कहा जाने लगा है। हालांकि आज भी चंद्रमा को जल का कारक मानते हैं, लेकिन संबंधित ये है, अब इतना बड़ा आपको फिलोसफी नहीं पढ़ना है, बात आपको सीधा सीधा बताते हैं कि चंद्र पर्वत से ही हम लोग देखते हैं कि यात्रा होती है कि नहीं, दूर की यात्रा, ठीक है। लेकिन आज के डेट में सिर्फ पानी ही नहीं है ऑप्शन, आज के डेट में हवाई जहाज भी ऑप्शन है, बाय रोड भी ऑप्शन, ठीक है। इंडिया से अब जो है ये तक इंडोनेशिया तक, उसके बाद फिर नेक्स्ट फेज में वियतनाम तक रोड बनने वाला है, और उसके बाद अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिलीपींस तक भी रोड बना देंगे। फिलीपींस एक्चुअली द्वीप है, जावा सुमात्रा तक भी जा सकता है। तो अभी जो है पॉसिबल है कि विदेश जाना संभव है बाई फ्लाइट और बाई रोड। तो बृहस्पति अगर अच्छा है तो ऐसे लोग बाई फ्लाइट हवाई यात्रा करके विदेश जाएंगे। बृहस्पति से चंद्रमा का कोई कनेक्शन बन रहा हो, जैसे लास्ट टाइम एक बार हमारे जॉन सर ने बोला था, कोई रेखा अगर भाग्य रेखा इस तरह से निकल के बृहस्पति पर्वत में घूम जाती है तो ऐसा व्यक्ति को विदेश में जाकर फेम मिलता है। ऐसे लोग विदेश में रहकर इनको फेम ज्यादा मिलता है। उसी प्रकार से चंद्रमा के पास, यहाँ पर पर्टिकुलरली पॉइंट पे जाते हैं 180 पेज नंबर, चंद्र पर्वत पर स्थित खड़ी रेखाएं देखें। चंद्र पर्वत पर स्थित जो खड़ी रेखाएं होती हैं, लकी ये वाली, मणिबंध से चंद्र पर्वत की ओर आने वाली रेखाएं, मणिबंध से नीचे से चंद्र पर्वत की उठने वाली ये रेखाएं, तो छोटी रेखाएं छोटी यात्राओं तथा लंबी रेखाएं विदेश या अधिक दूरी की यात्राओं को इंगित करता है। मणिबंध से चंद्र पर्वत की ओर पहुंचने वाली रेखाएं विदेश यात्रा की सूचना देती है। ये जो मणिबंध से निकलने वाली रेखाएं होती हैं, ये विदेश यात्रा की सूचना देती है। और पर्टिकुलरली और एक चीज, कुछ आपको मैक्सिमम हाथों में ना ये रेखा इस तरह से बनते हुए और यहाँ पर आके या तो जीवन रेखा से कनेक्ट होते हुए या फिर कोई शुक्र पर्वत से रेखा इस तरह से कनेक्ट होते हुए दिखेगी, ऐसा हाथ आपको मैक्सिमम दिखेगा। तो ये भी विदेश यात्रा का कारक होता है या लंबी दूरी की यात्रा का कारक होता है। अगर ये रेखाएं पूरा जैसे कि चंद्र पर्वत से शुरू होकर जीवन रेखा तक टच हो रही है तो ऐसा व्यक्ति लंबी यात्राएं ज्यादा करता है, दूर दूर प्रदेशों तक जाना आना रेगुलर रहता है। हाँ, ये जाके क्या कुछ समय के लिए वहां पे विदेश जाता है, वहां पे काम करता है, फिर वापस आ जाता है अपने देश में। लेकिन मणिबंध से निकलने वाली जो रेखाएं जो ऊपर चंद्र पर्वत की ओर जाती है, मतलब ये भी रहे और साथ में ये भी रहे, तो ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर ही सेटल डाउन हो जाता है। अगर ये नहीं भी है, सिर्फ ये है, तो भी विदेश में सेटल होता है। यात्रा रेखाओं पर किसी प्रकार का दोष यात्रा में हानि या कष्ट को प्रदर्शित करता है। किसी प्रकार का दोष नॉर्मली इसमें आपको या तो इस तरह का कट करता हुआ कोई निशान मिलेगा, या तो इसके ऊपर स्पॉट रहेगा, कोई स्किन का पैटर्न का स्पॉट रहेगा, तो वो जल्दी वीजा बनने में, पेपर्स ओके करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जल्दी नहीं बनता इन लोगों को। इन लोगों का लटक लटक के, मतलब बार बार कुछ ना कुछ किसी बार कारण डिले होते होते काम बनता है।